हेलो पावरफुल सो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज हम देखेंगे आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पाइल वन है, क्लिंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। पाइल वन। पाइल टू है इंस्पिरेशन एंड करेज। एंड पाइल थ्री है एक्सेप्ट लव। तो जो पाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको, चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना समय ले लीजिए और जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल को चूज कर लीजिए। टाइम इस टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल वन के साथ। हेलो पाइल वन, जिन्होंने ये पाइल वन चूज किया था, क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और इस कार्ड के लिए मैं ये कहूँगी कि पहले आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तब वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपका बाथ लेना बहुत ज़रूरी है, रोज़ लिया कीजिए, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ कि सिर्फ बात ही क्यों। ठीक है, आप धूप बत्ती या सेज जला के भी क्लिंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल वेयर कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपको लगता है कि शायद ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पिंक सॉल्ट बाथ लेते वक्त आप डाल के यूज़ कर सकते हो, इससे भी सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, और तो जितना हो सके आप जितना अपना हेयर वॉश ज़रूर करिएगा। मतलब हेयर वॉश करने से भी काफ़ी हद तक जो आपका माइंड कुछ दिनों तक डिस्टर्ब होता है, रास्ता नहीं मिलता, परेशान रहते, तो एक बार हेयर वॉश कर लेने से क्या होता है, आराम मिलता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्लिंस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको पॉजिटिव रखेगा जितना हो सके। यहाँ पे पॉजिटिव रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखने की बात एक तरीके से आपके लिए कही जा रही है। ठीक है, आइए देखते हैं और भी मैसेजेस हम यहाँ पे आपके लिए लेंगे। कार्ड्स हाय ऑनर। ओके, ये कार्ड खुद ब खुद गिरा है तो मैं इसको लेना चाहूंगी। हाय ऑनर आपके लिए आ रहा है, जैसे कुछ लोग के लिए हो, जैसे मैं देख पा रही हूँ एक न्यू स्टार्ट, एक कामनेस, लाइक जैसे बहुत काम कर लिया आप आराम कर रहे हैं, जो आपका ये कार्ड था। ठीक है, आप कुछ ज़रूर लाइफ में बहुत बड़ा करने के लिए बने हो और शायद आपके एंसेस्टर ये चीज़ पहले से जानते हैं और उन्हें आपके ऊपर प्राउड फील होता है। ठीक है, आप अपनी कम्युनिटी का, आप अपने कुल का नाम रोशन ज़रूर करोगे और उनको इस चीज़ के लिए अभी से ही आप पे गर्व महसूस होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी, इससे जज नहीं करूँगी कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई है, आप स्टडीज़ में कैसे हो, अच्छे हो या नहीं हो, मैं इससे आपको बिल्कुल जज नहीं करूँगी। मैं बस इतना कहूँगी कि आपके एंसेस्टर अच्छे से जानते कि आप क्या हो और आगे जाके क्या कर सकते हो, आपकी काबिलियत उन्हें बहुत अच्छे से पता है और उनको लगता है कि आप ज़रूर उनका नाम रोशन करोगे, कुछ बहुत बड़ा लाइफ में करोगे। अगर आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपके लिए सक्सेस देख पा रही हूँ, आप कुछ बहुत बड़ा ज़रूर करोगे अपने लाइफ में और आपके एंसेस्टर इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, वो आपको ये बताना चाहते हैं, अगर अभी आप फील कर रहे हो डाउन, ठीक है, कि अपने करियर को लेके अपने लाइफ में, तो ये बता दूं आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं कि आप बहुत काबिलियत है आप में। ठीक है, आपके एंसेस्टर आपको याद दिलाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि आप लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करोगे जो हाई ऑनर लेकर आएगा। ठीक है, तो ये पहला मैसेज है आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए। आइए देखते हैं गिफ्ट। ओके, एक कार्ड और लेंगे हम यहाँ पर। कोर्ट हाउस। ओके, यहाँ पे जिस तरह से आपके लिए यहाँ पे गिफ्ट आया है, कोर्ट हाउस आया है, ये तीनों कार्ड हम ले लेते हैं, तीनों की बातें करते हैं।
गिफ्ट आया है, तो कोई प्रेजेंट, कुछ कोई तोहफा आपके लिए, कुछ खास अपॉर्चुनिटी को भी तरह भी देख सकते हैं, कुछ खास आपके लिए आने वाला, या कोई खास उपहार शायद आपके एंसेस्टर आपके लिए छोड़ गए हैं जो आपको शायद बाद में मिले या बाद में पता चले, ठीक है, कुछ तो ऐसा खास आपके लिए है, या फिर कुछ तोहफा एंसेस्टर की तरफ से, मतलब होता नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सबको मिलता चला जाता है, तो कुछ ऐसा आपको मिला हुआ है स्पेशल, टैलेंट भी कह सकते हैं कुछ लोग के लिए हो सकता है, तो उनके तरफ से आपके लिए कुछ खास है और वो चाहते हैं कि आप उस चीज का उपयोग करो, ठीक है, आपके अंदर जो स्पेशल टैलेंट आपके पूर्वजों से आपको मिला है, एंसेस्टर्स से आपको मिला है, उसका बेहतर तरीके से उपयोग करने की बात भी कही जा रही है, और कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में उनकी तरफ से कोई गिफ्ट, कोई तोहफा जो शायद आपको भी नहीं पता है बट आपके लिए कुछ खास रह सकता है, उनकी तरफ से एक तोहफा आपको मिल सकता है, ठीक है। कोर्ट हाउस यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कुछ लोगों का, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जिससे कार्ड आए हैं बहुत पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, तो आपको गिव अप नहीं करना है कभी भी, और अपने लिए जंग लड़नी है, अपने लिए खड़े होना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे जस्टिस दिख रहा है, आपके लिए जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, आपके एंसेस्टर्स हैं आपके साथ और वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, आपको जस्टिस मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए, कार्ड्स प्लीज, गाइड पाइल वन, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, वर्क थ्रू योर फियर, ओके। तो आपके लिए दो कार्ड यहाँ पे आए हैं, दोनों ही पर्पल शेड में हैं काफी हद तक, और आपके लिए दो मैसेजेस यहाँ पे आए हैं, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस एंड वर्क थ्रू योर फियर। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में, डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा था एक न्यू फ्रेश स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा था। दूसरा ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ पावरफुल चेंजेस होंगे, और आपसे कहा जा रहा है जब तक एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब तक वो चीजें नहीं घटेंगी, ठीक है, तो वो पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहती हूँ एक, कि आपसे कहा जा रहा है आप पॉजिटिव रहो, चूंकि आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव सोचोगे और उतना पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हो तो शायद वो नेगेटिव चीजें भी आपके आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है, अब वो चेंजेस मतलब वही चेंजेस होंगे ना जो जो भी घटेगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव सोचो जैसे पॉजिटिव चीजें घटे, ठीक है, पहली बात तो ये कहा जाए। दूसरा यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि चेंजेस होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, ईश्वर होते हैं, ठीक है, जब तक आप ये बिलीव नहीं करोगे तब तक चीजें आपको वो मिरेकल्स दिखेंगे नहीं, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर, अपने जो भी डर है उससे काम, उस पर काम करो, मतलब मैं यही कहूंगी कि जिन चीजों से डर लगता है, ठीक है, उसका सामना करो, इन सिंपल वर्ड यही कहूंगी कि जिन चीजों से डर लगता है उन चीजों का सामना करो, और जिनसे डर लगता है, जिन चीजों से डर लगता है उस पर काम करो कि उससे डर ना लगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके लाइफ में इजी चीजें नहीं है, ठीक है, जब आप लाइफ में रिस्क लेते हो तब आप ज्यादा अच्छा करके दिखाते हो कुछ, तो ये जैसा फियर आया है तो ये फियर कहीं ना कहीं रिस्क की बात भी कर रहा है, ठीक है, तो वही मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए आपको ना अपने लाइफ की सिचुएशंस को फेस करने को कहा जा रहा है, ठीक है, डरना नहीं है, क्योंकि आप लाइफ में इतने मतलब पहले ही बता दिया गया कि आप बहुत काबिलियत है आपके अंदर, तो उस चीज को अचीव करने के लिए जो फ्यूचर में आपके लिए है हाई ऑनर, उसको अचीव करने के लिए आपको अपने डर का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको अच्छी भी नहीं लगती हो लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस जगह पे पहुंचना है, ठीक है, आपसे ये बात कही जा रही है। और आप पहली बात निराश मत हो ये कभी भी लाइफ में, ये कहा गया है आपके लिए, और आपको कहना है कि अगर अभी आपकी सिचुएशन अगर अच्छी नहीं चल रही लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं कि आगे अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है एक्सपेक्ट करो कि पावरफुल चेंजेस होंगे लाइफ में, आप ये क्यों नहीं पा सकते, आप ये डिजर्व करते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए है, आपके फेथ में है, ऐसा कुछ है कि आप कुछ बहुत लाइफ में बड़ा करोगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग तो शायद मुझे लगता है कोर्ट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड भी कुछ कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो आपके लिए कुछ पावरफुल से अथॉरिटी भी मैं देख पा रही हूँ, कुछ पावरफुल अथॉरिटीज आपके हाथ में रहेंगी, आप बहुत बड़े बड़े निर्णय ले सकते हो आगे जाकर,
तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस हैं जो ये आपको बिलीव जब तक नहीं करोगे कि हाँ होते हैं चेंजेस होंगे अच्छे होंगे तब तक ये चीजें नहीं होती हैं। दूसरा वर्क थ्रू योर फियर, जिन चीजों से डर लगता है कि आपको लग रहा है मैं ये नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, और शायद हो सकता है कि उसी चीज में आप बहुत ऊपर जाओ बहुत आगे जाओ मतलब, तो इस वजह से कहा जा रहा है अपने जो फियर्स है ना उसको फेस करो। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं शायद आप उसके चक्कर में कोई ऐसा डर है जिसको अवॉइड कर रहे हो और आप कुछ और कर रहे हो लाइफ में, लेकिन सक्सेस तो वहीं पर है जहां डर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपके लिए हैं। और भी मैसेज आपके लिए लेना चाहेंगे, आइए देखते हैं। एक हैप्पी फैमिली की ब्लेसिंग मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके लिए, एक अच्छा पार्टनर ब्लेसिंग। आपके लिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। जस्टिस, ओके, जस्टिस की बात मैंने पहले भी की थी आपके आपके लिए, आपके लिए कोर्ट हाउस आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पे आया है थ्री ऑफ कप्स। मैं देख पा रही हूँ आपको लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ तो आपने किया है, और ये भी मैं देख रही हूँ शायद ये फैमिली का भी कुछ है आपको लिए। ठीक है, फैमिली में एंसेस्टर्स ने शायद कुछ किया है, उसका फल भी आपको, अगर उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए तो उसका फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि हाँ गलत रहा है, तो शायद वो भी आपको आपकी लाइफ में मतलब थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए अभी फिलहाल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मैं देख रही हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि एंसेस्टर की तरफ से आपको पैसे भी मिल सकते, इनहेरिटेंस मनी होता है ना खानदानी, ठीक है, तो वैसा कुछ आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, और जॉब वगैरह भी लगती हुई मुझे आपके लिए दिख रही है यहाँ पर। लॉ करना कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इस एरिया में जाना। दूसरा ये भी मैं कह रही हूँ कि आपसे कहा जा रहा है कि जस्टिस करना, ठीक है, फैमिली में या फिर आप अपने लाइफ में भी कभी भी गलत रास्ते को मत चुनना। ठीक है, सही गलत का अच्छे से फर्क करना, ये चीजें भी आपके आपके एंसेस्टर आपसे कहना चाहते हैं, जो कि उन्होंने जो लाइफ में देखा है समझा है उस हिसाब से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कर्मा एग्जिस्ट करता है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जिस तरह से आपकी जस्टिस एंड हाई कोर्ट मतलब ये कोर्ट हाउस आया है, तो वो मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे कि कर्मा कर्मा कुछ तो यहाँ पर है जो कि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी सही रास्ता ही चुनो अपने जीवन में। एक खुशियाँ आते हुए दिख रही है आपकी फैमिली में, कोई सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है। ठीक है, कुछ खुशियाँ हैं जो आप सेलिब्रेट करोगे, आपके लिए कुछ बहुत बड़ा चेंज, जैसे कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज था, जैसे ये हाई ऑनर है, ये गिफ्ट है, तो कुछ तो बहुत अच्छा। मैंने कहा कुछ लोगों का केस चल रहा है तो शायद वो आपके फेवर में आ सकता है, तो कोई तो खुशी बहुत अच्छी आने वाली है आपके जीवन में। ये जस्टिस भी आप में से काफी लोग को मिल सकता है, अगर लाइफ में कुछ बुरा किसी ने आपके साथ किया भी है तो उसका जस्टिस भी आपको मिलते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। चलिए ये देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है। योर बिलीव आर राइट फॉर यू, ठीक है, तो जो आप सोचते हैं वो सच है आपके लिए। ठीक है, लीड बाई एग्जाम्पल्स, ओके, और कार्ड्स ले लें फिर बात करते हैं यहाँ पर। स्टार गेजर एल्डर, ओके, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, शी वुल्फ, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल के ऊपर आया है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ। शिफ्ट योर परसेप्शन, ओके, और कार्ड्स लेंगे फिर बात करते हैं। कुछ बहुत बदलाव जैसा यहाँ पर है, बदलाव बदलाव ऐसा लग रहा है जो कि आप करके करोगे, आप करोगे।
ओके समझ रही समझ रही। बहुत सारे मैसेजेस। ओके पहली बात मैं कुछ लोग के लिए ये देख पा रही हूं, जैसे लग रहा है कि किसी से रिश्ता जुड़ना, ठीक है, किसी से एक न्यू रिश्ता जुड़ना, कुछ लाइक मैं इसे कैसे समझाऊं कि जैसे कुछ लोग की एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कुछ लोग की ऐसी फैमिली है जिन्होंने कभी लव मैरिज नहीं हुई है उनकी फैमिली में, लेकिन आप हो कोई जो रूल तोड़ रहे हो लव मैरिज करके, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली में सिर्फ एक आप हो सकते हो जो लव मैरिज कर रहे हो, तो ये चीजें से कोई फैमिली में कुछ ऐसी रीति पहले पुराने से चली आ रही है और आप हो जो उस चीज को बदल रहे हो, आप जो हो उस चीज को चेंज कर रहे हो, ठीक है। ये भी है, फिलहाल यहाँ पे जेमिनाई आया है, क्रॉस पॉलिनेशन आया है, तो यहाँ पे मैरिज फिक्स होते हुए भी कुछ लोगों की दिख रही है, ठीक है। कुछ लोग से कहा जा रहा है कि अगर कोई बात है तो जाके सच बोल दो, ठीक है। दूसरा ये कहा जा रहा है डरना नहीं है, ठीक है, अगर आपकी, मैंने फियर वाली बात जो कही थी ना सेम वही की थी, अपने अपोजिशन के सामने अगर खड़े हो तो डरना नहीं है, ठीक है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, ठीक है, अपने अपने ओपिनियन रखो, अगर आपका बिलीफ है कि नहीं ये ऐसा ही होता है तो रखो अपने बिलीफ को। और यहाँ पे कहा गया है योर बिलीफ आर राइट फॉर यू, ठीक है, लीड बाय एग्जाम्पल। आपको आपके आसपास ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी, ठीक है, या फिर आपको सुनने में आया होगा, आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ पे सतर्क करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, ये होगा आपके साथ, ठीक है, और होता भी होगा। यहाँ पे ट्रांसिट आ रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, यहाँ मैं कहूंगी क्लाइमेट चेंज भी होगा, तो आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है, काफी हद तक क्लाइमेट जब चेंज होने वाला आने वाले समय में, उसमें आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बड़ी एक बदलाव का भी है, एक बदलाव आना, शिफ्ट योर परसेप्शन, आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी कि आप अपने सोचने का तरीका बदलो, ठीक है। आपका बिलीफ आपके लिए अच्छा है, लेकिन अपने आप को अपडेट भी तो रखना है ना, ठीक है, तो आप ना अपने सोचने के तरीके में काफी चेंज लेकर आओ, ये बहुत जरूरी है। सेट योर साइट हाई, जो भी सोचते हो अच्छा और बड़ा सोचो, कहा था ना एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ठीक है, तो कुछ भी सोच रहे हो ये मत सोचो कैसे होगा, ठीक है, बस ये है कि छोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपके लिए। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, ठीक है, जो एंसेस्ट्रल पुराना चला आ रहा है चला आ रहा है, अब उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब ये चीजें अब जो जनरेशन है उस पर ये चीजें उतनी जरूरी नहीं है, फॉलो नहीं करती, अगर आपको लगता है कि चीजें बदलने की जरूरत है तो आप बदलिए, ठीक है। अनलीश द वाइल्ड विद इन, ठीक है, अपने अंदर की, जैसे शी वुल्फ आया है तो अपने अंदर के वाइल्ड को जगाने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है, जो सोया हुआ सा है उसको जगाने की जरूरत है, और कुछ पाने की कोशिश करनी है, या कुछ गोल अचीव करने की बात करी, ये वुल्फ को इसलिए नहीं जगाना है कि कोई भी काम नहीं, ये अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इस वुल्फ को, शी वुल्फ को जगाने की जरूरत है। स्पेशली वुमेन्स आपसे कहा जा रहा है अपने अंदर के वुल्फ को जगाओ, ठीक है, डरना नहीं है, दब के नहीं रहना, नहीं बाहर जाना है, काम करना है, ठीक है, और खुद की खुद को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे एंसेस्ट्रल पैटर्न रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, ठीक है, बट आप हो सकते हैं वो रूल को तोड़ो, ठीक है, तो कुछ ऐसे आपसे कहा जा रहा है, आपके एल्डर्स खुद कह रहे हैं मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, ठीक है, तो उस एंसेस्ट्रल पैटर्न से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, उन उन चीजों से आगे बढ़ना है अब, ठीक है। यहाँ पे साइकिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ते हुए नजर आ रही है, ठीक है, आप काफी अच्छे तरीके से आपकी, जैसे कह सकते हैं, थर्ड आई ओपन हो रही है, और काफी मैसेजेस चैनल होंगे आपको, आप लोगों को एडवाइस दे सकते हो अच्छी अच्छी ठीक है, और ये कहीं से इनर कॉलिंग भी हो सकती है, अंदर से आवाज अपनी सुन पाना, ठीक है। तो यहाँ पे शील्ड है, तलिस्मांस है, गुड गोल्ड लाइट है, तो ये गोल्ड लाइट तो मुझे आपकी अंदर की जो रोशनी है, ठीक है, और एक ईश्वर की रोशनी, दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है, उससे जुड़ने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक
ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ कही जा रही है। ठीक है, साइकिक स्ट्रेंथ यही होती है ना कि जब आप कुछ गलत करने वाले, वो कहती कहती नहीं 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 ये मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, अंदर से आवाज आती है और फिर वो आपको बचा भी लेती है कई बार। तो ये चीज भी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। बी थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड, एप्रिशिएशन एंड हार्मनी, आपसे कहा जा रहा है जो भी हो रहा है उसके लिए शुक्रिया कहो। ठीक है, शुक्रिया कहोगे तो और चीजें अट्रैक्ट करोगे लाइफ में और आगे बढ़ोगे। ठीक है, और अपने अपोजिशन से कभी हारना डरना नहीं है, अपने फियर से हमेशा लड़ना है, उसको फेस करना है यहाँ पर। ठीक है, अपने अंदर के जानवर को, स्पेशली घर, जगाने की जरूरत है यहाँ पे, वाइल्ड। ठीक है, एंड सेट योर साइट है, हमेशा बड़ा सोचना है, कभी कुछ छोटा नहीं सोचना है, और अपने परसेप्शन में, अपने सोचने और समझने की शक्तियों में बदलाव लेकर आने की जरूरत है यहाँ पर आपको। ठीक है, और ये मैं कहूंगी कि हमेशा विश्वास रखना कि ईश्वर देख रहा है, कर्मा पे विश्वास रखना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, पाइल वन, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल टू, जिन्होंने ये इंस्पिरेशन एंड करेज चूज किया है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आगे जाके आप लोग की इंस्पिरेशन बनोगे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आप लोगों की ताकत बनोगे। ठीक है, दूसरा ये देख पा रही हूँ मैं कि आपको भी जैसे कोई भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए तो उसमें से निकलने की गाइडेंस मिल सकती है, वो ताकत मिल सकती है, वो स्ट्रेंथ आपको आपके एंसेस्टर देना चाहते हैं, कहते हैं कि वो करेज आपको भेज रहे हैं अपनी तरफ से कि कर दिखाओ, कर सकते हो, डरना नहीं है, लड़ना है। ठीक है, ऐसा वाला। और इंस्पिरेशंस भी मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे आगे जाके, तो आपको पहले उसके लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा, तब आप लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे। ठीक है, लोगों को गाइड करोगे। ठीक है, तो ये भी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। आप में से काफी लोग कोई साइकिक काम भी कर सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो, लोगों को गाइडेंस देने का काम भी कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं पाइल टू आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज गाइड पाइल टू। डिस्टेंट हॉरिजॉन, बैड हेल्थ और ट्रायल एंड लेबर। ओके, तो इनकी बात कर ली जाए तो पाइल टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है आने वाले समय में। ठीक है, एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, और मैं ये देख रही हूँ कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है मुझे। ठीक है, एक ठहराव आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों को अपने आसमानों को छूने का मौका मिल रहा है। ठीक है, ये भी दिख रहा है आपके लिए यहाँ पर। और हो सकता है आपको किसी से दूर जाना पड़े, यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है, अपनी फैमिली से कहीं दूर जाना पड़े अपने स्टडीज के लिए या मैरिज की वजह से, जैसे भी, बट आपको अपने फैमिली से दूर जाना यहाँ पे पड़ सकता है। ठीक है, बैड हेल्थ की बात हो रही है, अपना ध्यान रखने की बात कही जा रही है कि आप अपना ध्यान रखें, या तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। अगर नहीं रख पा रहे आप तो अपने हेल्थ का तो जरूर ध्यान रखें। ठीक है, बैड हेल्थ का यहाँ पे आया है, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पे दूर जाने की बात हो रही है, तब फिर वो अपने फैमिली का ध्यान दूर से जैसे रख सकते हैं आप वैसे रख सकते हैं। ट्रायल एंड लेबर, स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोग के लिए यहाँ पे काम का है, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, करियर की वजह से, अपने काम के स्टडीज की वजह से बाहर जा रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है और आपकी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ सकती। तो ये नहीं कि इतना काम करो कि अपने हेल्थ को ही किनारे कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, काम अपनी जगह, हेल्थ अपनी जगह, दोनों को ही प्रायोरिटी देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए है कि अगर आप फैमिली से दूर जा रहे हो तो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली नहीं होगी आपका ध्यान रखने के लिए वहां पर। तो ये भी मैसेज आपके लिए मिल रहा है। दूसरा, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, आपके लाइफ में हार्ड वर्क है। ठीक है, बैड हेल्थ है, ये एंसेस्टर आपको बता रहे हैं, ये चीजें होंगी। ठीक है, तो बहुत मेहनत भी शायद आपसे कराया जाए और आपको छोटी मोटी से बीमारियां, जुकाम वगैरह जो सीजन के साथ होता रहता है, वो चीजें हो सकती हैं कि आपको लगती रहे। ठीक है, बट आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। इजी कुछ नहीं है आपके लिए, आसानी से नहीं मिलेगा। जब आप मेहनत करोगे, जब कुछ अचीव करोगे, तभी तो बताओगे कि हम क्या करते थे, यहाँ तक कैसे पहुंचे, राइट? तभी तो दूसरों के इंस्पिरेशन बनोगे, है ना? तो ये दिख रहा है कि आपका रास्ता आसान नहीं होगा। ठीक है, और फिर जब बाद में जब आप बूढ़े हो जाओगे तो किस्से सुनाने में भी बहुत मजा आएगा आपको ये सब। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैरिज
meditate and contemplate. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. मैं ये देख पा रही हूँ अगर कुछ लोगों को खुद के लिए बाहर जाने नहीं मिलता, पढ़ाई के लिए या काम के लिए, करियर के लिए, ठीक है, या तो मैं देख पा रही हूँ कि आपसे कहा जा रहा है कि जाओ उठो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और एक फर्स्ट मूव लो और कुछ करो. ठीक है, कुछ लोग को यहाँ पे एक पुश दिया जा रहा है कि जाओ काम करो, आगे बढ़ो, कुछ करो. ठीक है, खाली नहीं बैठना, घर पे नहीं बैठना. ठीक है, काम करने के लिए यहाँ पे आपको फोर्स किया जा रहा है. ठीक है, कहा जा रहा आगे बढ़ो, फर्स्ट मूव आप लो. अगर सामने वाला कोई है जो फर्स्ट मूव नहीं ले रहा, इन रिलेशनशिप की बात की जाए, तो आप फर्स्ट मूव लो, आप आगे बढ़ो, चीजों को आप संभालो. ठीक है, मेडिटेट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है. क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है. अब आपको आराम कैसे मिले अगर आप पूरे दिन में भी अगर थोड़ा सा समय अपने मेडिटेट को दें? ठीक है, आपको यहाँ पे काम रहने को कहा जा रहा है. ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो परेशान कर सकती है, हेल्थ को लेके, काम को लेके, फैमिली से दूर है तो भी. तो आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट करो, उतना आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है, कुछ लोगों को शायद आंसर नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा, ये भी मुझे नजर आ रहा है. तो मेडिटेट करो तो आपको रास्ता दिखेगा कि आपको आगे क्या करना है, आपका फर्स्ट मूव क्या होगा, ये भी आपको पता चलेगा. ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता होता तब वो फर्स्ट मूव नहीं ले पाते, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका पहला मूव क्या होने वाला है. देखिए यहाँ पे बी बोल्ड भी कहा गया है और आपके कार्ड में करेज भी कहा गया. यहाँ पे लोगों को ना करेज बहुत चाहिए, ठीक है, कुछ करने के लिए गट्स बहुत चाहिए. आइए देखते हैं और क्या कार्ड आपको बताते हैं. अगर आपको करेज की, जब भी ऐसा फील हो ना कि मुझ में करेज नहीं है कुछ करने के लिए, बस इतना याद रख लेना कि आप आगे जाके लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे, उसके लिए अभी करेज होना बहुत जरूरी है. अगर अभी कुछ नहीं किया तो आगे जाके किसी की इंस्पिरेशन नहीं बन पाओगे. ठीक है, कम से कम अपने अपने बच्चों की ही इंस्पिरेशन बनना. अगर मतलब किस कुछ ऐसे आप नहीं अभी बड़ा करने के बारे में अब उस तरह नहीं सोच रहे, कोई वैसा गोल नहीं सेट किया हुआ है, अगर आप एक पर्सन की भी इंस्पिरेशन बनते और उसको हेल्प मिलती है आगे बढ़ने में, तो इससे बेहतर और क्या होगा, राइट? तो मुझे तो ऐसा फिलहाल दिख रहा है कि कई लोगों की बनोगे, बट मैं एक बात कह रही हूँ, आपको इंस्पिरेशन बनना है लोगों की, ये सोच के अपने अंदर करेज लाइएगा और आगे बढ़िएगा अपने लिए. क्वीन ऑफ वांड्स, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन कार्ड है यहाँ पे. और मैं देख और देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे. ओके, थ्री ऑफ वांड्स, सॉरी सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, स्वाभिमान. ठीक है, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, मुझे लगता है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है यहाँ पे. ठीक है, ऐसा कि लोग झुके आपके सामने. अब ऐसा नहीं कि लोगों को झुकाना है, ये बात नहीं, बात ये है कि आपकी रिस्पेक्ट हो. ठीक है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट तभी होती है जब आप एक अच्छे मुकाम पे होते हो. ठीक, ये एक हाई पोस्ट पे होते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, किंग ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, मैं ये भी कहूंगी आपके लिए कि आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा. आपका कई बार दिल भी टूटेगा, आपकी कभी कभी होप भी टूटेगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी टूटेगी लाइफ में, कई बार ऐसा होगा. ठीक है, बट आपको स्ट्रांग बनना है. ये क्वीन ऑफ वांड्स ये भी करेज दिखाती है, बहुत करेजियस होती है. ठीक है, आपके लिए करेज वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आपके एंसेस्टर कह रहे हैं हिम्मती बनने की जरूरत है, किंग ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, वो उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत प्यारी है. अगर उस पर कोई हार्म करेगा तो वो अपनी तलवार तुरंत उठाएगा. ठीक है, वैसा वाला बनना, वैसे स्ट्रांग बनना है आपको. ठीक है, करेजियस मतलब यहाँ पे डर की नामो निशान नहीं होना चाहिए, डर जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए. ठीक है, क्वीन ऑफ वांड्स बहुत स्ट्रांग लेडी है. ठीक है, एक इसे मैं कैसे बताऊं, मुझे वो इजिप्ट की रानी याद आ रही है. ठीक है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो मुझे याद आ रही है यहाँ पर. ठीक है, तो आप, मैं सच बताऊं, जिन्होंने ये पाइल चूज की है, आप रूल करने के लिए बने हो. ठीक है, आप किसी के नीचे काम नहीं करोगे, लोग आपके नीचे काम करेंगे, ऐसा कुछ. ठीक है,
हाई पोस्ट यहाँ आप मुझे दिख रही है काम के लिए, जॉब के लिए, ठीक है, बट ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। धीरे धीरे जब आप काम करते हो, लाइफ में एक्सपीरियंस पड़ते हो, तब उस मुकाम में जाके पहुँचते हो। उसके लिए मेहनत बहुत लगती है, आसानी से कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बोला आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको इस ऊर्जा में रहने की जरूरत है। यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं, अपना स्टैंडर्ड हाई करने की जरूरत है, थोड़ा आप खुद को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। और भी कार्ड मैं लेना चाहूंगी। जर्नी विद इन, लव इज योर एनर्जी, ब्यूटिफुल, फोकस ऑन द पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करो कि जो होगा अच्छा होगा, और आगे बढ़ो, अपना फर्स्ट मूव लो, ठीक है। लव क्या है, इज योर एनर्जी, लव आपकी ताकत है, ठीक है, लव आपकी ताकत है, आपकी कमजोरी नहीं, आप अच्छे हो, आप प्यारे हो, ठीक है, आपका दिल अच्छा है, ये आपकी ताकत है, आपकी कमजोरी कभी नहीं है। और जर्नी, यही जर्नी है, ठीक है, यही जर्नी है। यहाँ पे वो मुझे दिख भी रहा है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि यही जर्नी है, मेहनत करना, उतार चढ़ाव लाइफ में, ठीक है, और खुद को स्ट्रांग बनाना, यही जर्नी है, ठीक है। आइए देखते हैं जो उन्होंने आपके एंसेस्टर्स ने अपने लाइफ से सीखा है, वो वही आपको बताना चाहते हैं। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन में हो उसके और आगे देखने की कोशिश करो कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, और ये आपको आगे क्या देखे जाएगा, क्या सिखा के जाएगा, ये भी। सी योर सीड ग्रो, मैं देख पा रही हूँ अभी आप, मैंने बोला है अभी आप बहुत ग्रो करोगे, बहुत ग्रो करोगे, बहुत सीखोगे, ठीक है। मैंने कहा जर्नी आसान नहीं है, और इस जर्नी के दौरान ही आप चीजें सीख रहे हो, ठीक है, आप खुद को ग्रो होते हुए देखोगे। मैंने ऐसे ही नहीं बोला कि आप लोग इंस्पिरेशन बनोगे, आप बनोगे। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर एंड डिजायर, ठीक है, अपने फियर और डिजायर को ट्रैक करो, ठीक है, फियर को कैसे कम करना और अपने डिजायर को कैसे पाना, एक हंटर की तरह काम करना है आपको, शिकारी, शिकारी बनो। मदर, फील लव्ड एंड कंफर्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बहुत प्यारे हैं, ठीक है, जिनका दिल बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ है, ठीक। यहाँ एक मदर एनर्जी भी मिल रही है, माना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत करेजियस है, बहुत एटीट्यूड है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ है, ठीक है, वो है एटीट्यूड होगा उसमें, ठीक है, अपने सामने लोगों को टिकने नहीं देती, बट ये है कि उसका दिल बहुत साफ है, जो अच्छे हैं उनके साथ वो अच्छी है, जो बुरे हैं उनके साथ वो बुरी है। तो फील लव एंड कंफर्ट, आप लोग ऐसे ही हो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपका दिल अच्छा है, ऐसे लोग हैं जिनका दिल बहुत कोमल है, मासूम है। फील लव एंड कंफर्ट, तो मैं यही कहूंगी कि एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर है मदर अर्थ वाली, ठीक है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो पर्सन बहुत लकी हो जाता है, ये है, ऐसा आप समझ लो, इससे बेहतर तरीके से मैं इस चीज को और नहीं समझा सकती, ठीक है। आइए देखते हैं, जूनो, पार्टनरशिप, कोई पर्सन आपके साथ आ सकता है, मिल सकता है आपको। सस्टेनेबिलिटी, मेडिटेशन, मेडिटेशन, फोर्थ हाउस, होम, ओके, फैमिली से कुछ तो रिलेटेड है यहाँ पे, होम आया है, हाउस से कुछ तो रिलेटेड है। मैं यहाँ पे मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोग अपने घर से दूर जा सकते हो, ठीक है, आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, घर में कोई न्यू जैसे मेंबर ऐड हो सकता है, ये बेबी भी हो सकता है, या फिर कोई मैरिज के थ्रू ऐड हो सकता है यहाँ पे। पार्टनरशिप भी आया है, तो आप में से लोग, कुछ लोगों की मैरिज फिक्स होते हुए मुझे दिख रही है, या फिर बिजनेस में आपकी कोई पार्टनरशिप है कि साथ मिलके किसी के साथ काम करने वाला बात है। और ये मैं देख पा रही हूं कि बेसिक चीजों पे आप काम करोगे, बेसिक चीजों पे,
बेसिक चीजों पे, स्पेशली या होम होम अगर पार्टनरशिप को देखा जाए तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे मैरिज का काफी बन रहा है, मैरिज का काफी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, स्थिरता यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। मेडिटेशन करना आपके लिए सच में बहुत अच्छा रहेगा, मैंने पहले भी आपसे बोला, 2 बार ये मैसेज मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। ठीक है, करिए मेडिटेशन, आपके लिए अच्छा है। आइए देखते हैं और भी मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पर। फाइंड योर वॉइस, एक्सप्रेस योर सेल्फ, ओपन अप एंड साइन आउट। मैं यही कहूंगी कि खुद को जानो, खुद को समझो, अपने आप को एक्सप्रेस करो और डरना नहीं है। ठीक है, अपनी आवाज रखो, अपना ओपिनियन रखो। फोकस ऑन चिल्ड्रेन, प्रेगनेंसी, बर्थ, एडॉप्शन। मैंने कहा कुछ लोग के लिए यहाँ पे घर में कोई बेबी आ सकता है, प्रेगनेंसी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जिनको चाहिए थी यहाँ पे कुछ न्यू शुरुआत, बर्थ, या आप किसी बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकते हो, उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। ठीक है, लाइफ में तो मैंने कहा ना, फील लव एंड आप एक ऐसी ऊर्जा हो जो बहुत ही जो मदर फीलिंग वाली होती है। ठीक है, तो अगर आप किसी के लाइफ में जाओगे वो बहुत लकी होगा। तो यहाँ पे आप की सोच भी हो सकता है इतनी ऊंचे दर्जे की हो कि आप में से कुछ लोग तो एडॉप्शन भी करो। ठीक है, आगे जाकर तो ये भी मुझे दिख रहा है आपके लिए, जैसे यहाँ मदर अर्थ एंड चिल्ड्रन आया है, तो यहाँ पे एक मदर और अर्थ का भी मुझे, मदर और बेबी का भी एक कनेक्शन यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्सेप्ट लव, तो आपके लिए बहुत सारा प्यार आ रहा है और ये प्यार जो है ना ये आपका खुद का है। ठीक है, आपको इसके लिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो ये सिर्फ आपके प्यार की बात हो रही है। ठीक है, और ये भी मैं कहूंगी कि इस दुनिया में जो भी है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके प्यार को आप एक्सेप्ट करो, उनके साथ जुड़ो जितना हो सकता है, आपके रिश्ते जो हैं इस दुनिया में, ठीक है, उसको और मजबूत करो उन लोगों से। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि आप अपना प्यार, जो आपका प्यार है वो देने की बजाय पहले खुद को दो, उसके बाद दो दूसरों को देना, पहले खुद को दो। ठीक है, उसके बाद सेल्फ लव, यहाँ पे मैं एक तरीके से कहना चाहूंगी सेल्फ लव आप करना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सेल्फ लव करो। आगे देखते हैं क्या कार्ड्स आपके लिए आते हैं यहाँ पर, कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 3। गिफ्ट, आपको किसी का गिफ्ट मिल सकता है, कुछ लोगों को गिफ्ट में चॉकलेट भी मिल सकते हैं यहाँ पर। इम्प्रिजनमेंट, ओके, जेल में, हाउस, ओके, कुछ लोग बंद हैं, कुछ लोग बंद हैं यहाँ पर, किसी रिश्तों में बंद हैं, किसी रिलेशन में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या अपने घर में ही किसी कहीं बंद, घर में ही बंद से हो गए हैं, बाहर जल्दी जा नहीं रहे हैं, घूम फिर नहीं रहे हैं, लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर समय घर पे बिता रहे हैं। ठीक है, ऐसा या लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ चुकी है जिसमें वो आप बंधे बंधे से फील कर रहे हो। आपके लिए यहाँ पे हाउस का कार्ड आया है, घर में कुछ अच्छा हो सकता है, घर में कुछ खास और कुछ सेलिब्रेशन जैसा कुछ इवेंट हो सकता है कोई। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके घर कोई विजिट कर सकता है, ये भी मैं देख रही हूँ, कोई घर आप खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं अपने लिए। गिफ्ट, गिफ्ट तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि कोई आपके लिए कोई गिफ्ट ला सकता है, और यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट लव है तो मैं देख पा रही हूँ शायद कोई प्यार से आपको कुछ आपके लिए करना चाहता है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा कुछ करना चाहता तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सेप्ट करो उन चीजों को, उनके प्यार को, कोई प्यार से आपको कुछ देना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है आपके लिए। ठीक है, और दूसरा मैं ये गिफ्ट देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी अपने प्रिय को, ठीक है, जो आपके लिए बहुत प्रिय है, ठीक है, उनको कोई तोहफा देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको लगता है जरूरी नहीं है कि कोई ओकेजन हो तभी दें, ऐसे भी दे सकते। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि नया घर खरीदना, वहां पूजा रखना है ना, ये चीजें भी देख पा रही हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स बताते हैं आपके लिए।
luck is on your side. Wow. You are good enough. आपको किसी की जरूरत नहीं है. आप जो हो, अकेले हो, आप सबसे बढ़िया हो. ठीक हो, आपको किसी की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी. आपको ये पता होना चाहिए, आप में बहुत काबिलियत है. आप जो हो वो हो सबसे अच्छा, जो जो भी हो वो सबसे अच्छा है. ठीक है, और हो सकता है कभी लाइफ में आपको ऐसा देखना पड़ रहा है कि आप अकेले हो. ठीक है, बट मैं सच बताऊं, आप अकेले ही बहुत पावरफुल हो. आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है. लक इज ऑन योर साइड. कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, और लक आपके साथ है. आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं, अगर आप बंद भी अपने आप को पा रहे हैं तो हो सकता है बहुत जल्दी उसमें से बाहर आएंगे. बट मैं ये बता दूं, कभी कभी हम लोग बंद हो जाते हैं अपनी ही वजहों से. ठीक है, अपनी ही कुछ थॉट्स की वजह से हम खुद को एक जगह पे लॉक कर लेते हैं. ठीक है, तो उससे भी आपको फ्री होने की जरूरत है. और ये आप खुद कर पाएंगे, ये आप तब कर पाएंगे जब आप अपने दिल की एनर्जी से कनेक्ट होगे. ठीक है, जब तक माइंड की एनर्जी में रहोगे तो लॉक रहोगे. जब दिल इस ताले की चाबी आपका दिल ही है, वो उसे खोल सकता है. तो अपने प्यार को एक्सेप्ट करो. ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो प्यार के लिए. आप पहले खुद को प्यार दो, उसके बाद फिर कोई कोई आता है लाइन में. ठीक है, आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या बता रहे हैं. यहाँ पे मुझे गिफ्ट के लिए भी यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लकी हो सकते हो आप. कुछ खास तोहफा आपके लिए है यहाँ पर. वैसे तोहफे ऐसे होते हैं, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता. देखने वाले कहते हैं, देखने वाले का दिल देखा जाता है, बस वही चीज है यहाँ पे. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए लाइफ में. ओ माय गॉड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स. मैं देख पा रही हूँ, आप अच्छी ड्रेस खरीद सकते हो, खुद को सजा सवार सकते हो, कहीं ऐसी जगह घूमने जा सकते हो जहाँ नेचर हो. ठीक है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो. ठीक है, मैं देख पा रही हूँ शायद आप में से कुछ लोग अपना खुद का घर ले, अच्छी अर्निंग आपकी हो. जिससे पहले अर्न करते थे उससे और ज्यादा मैं अर्न करते हुए यहाँ पे आपको देख पा रही हूँ. ठीक है, इंडिपेंडेंट बनते हुए देख पा रही हूँ. ठीक है, अपनी जो सिचुएशन है लाइफ की उसको बदलते हुए देख पा रही हूँ. आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है. ठीक है, एक बाउंड्री सेट करते हुए देख पा रही हूँ कि आपको पता है कि आपके लाइफ में किन अच्छे लोगों को रखना है, किस ऐसे लोगों को रखना है जो आपको नहीं सर्व करते, तो उनको कैसे निकालना है, उनको कितना दूर रखना है अपने लाइफ से. तो ये चीजें आप बेहतर तरीके से देख रहे हो. दूसरा, खुद को डिफेंड कर रहे हो कि कोई और नेगेटिव ऊर्जा आपको इफेक्ट ना करे पाए. ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लोग को अलोन देख पा रही हूँ कि अकेले हैं लाइफ में. ठीक है, तो यहाँ पे अगर अकेले हो तो खुद पे फोकस करो. ठीक है, ये अकेला रहना आपके लिए ये जेल नहीं है. अकेला रहना आपके लिए ये है कि आप पूरे एक बड़े से घर में अकेले हो. ठीक है, उसका फायदा उठाना है आपको, खुद को जेल में बंद करके नहीं रखना है. ठीक है, आइए देखते हैं. आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे. चलिए आइए देखते हैं. Death is an illusion. Okay. Love is your energy. Love आपकी energy. मैं एक और कार्ड लूंगी इसमें से. You are never alone. मैंने कहा था. ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगी डेथ इज एन इल्यूजन. देखिए, सबसे बड़ी, अगर इंसान के लाइफ में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है डेथ. राइट, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है. और जब ये कहते हैं ये एक इल्यूजन है, जबकि डेथ ही एक इल्यूजन है. कोई कभी नहीं मरता, सोल कभी नहीं मरती. ठीक है, और हम लोग सबसे ज्यादा डरते किस चीज से हैं? डेथ से. ठीक है, और जब डेथ ही नहीं है होती किसी की, तब जब डेथ ही इल्यूजन है, तो इससे छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ में आती है, आप उसे भी झेल लोगे. ठीक है, ये एक मैसेज मैं देना चाहती थी कि जो डेथ से बड़ी चीज तो और कुछ नहीं हो सकती. ठीक है, जब आपकी डेथ होती है सब खत्म हो जाता है. ठीक है, फिर न्यू बर्थ होता है, वो सोल फिर एक कोई एक नई जगह जन्म लेती है. तो इससे ही एंड है, कहते हैं ना, इससे ही एंड है. ठीक है, अभी सिर्फ हम वहीं तक बात करेंगे, वहां एंड तो कुछ नहीं है, तो एक साइकिल है. बट अभी हम सिर्फ डेथ की, डेथ एज अ एंड बात करेंगे. तो ये एंड हो जाता है डेथ. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज मानी जाती है जिससे लोग डरते हैं, डेथ डेथ. ठीक है, बट डेथ जैसी कोई चीज नहीं होती है. इससे जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं वो इससे छोटे ही होते हैं, बट हम उससे भी नहीं झेल पाते है ना. तो ये चीज
है जो मैं बोलना चाहती थी, लव आपकी एनर्जी है, लव में आपको रहना है, प्यार में आपको रहना है। लव आपका कार्ड था एक्सेप्ट लव, ठीक है। तो जितना आपके अंदर प्यार होगा ईश्वर से भी उतना ही प्यार आपको मिलेगा, इतना समझ लो। यू आर नेवर अलोन, आप कभी भी अकेले नहीं हो, कभी भी अकेले। और ये मैसेज मुझे मिल गया था, आप अकेले नहीं हो। और आपको लगता है कि कुछ लोग को कभी कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि खत्म हो गए, खत्म हो जाएगा सब कुछ, है ना। बट ये इतना बताते कभी कुछ खत्म नहीं होता, यहाँ का कर्मा आप फिर नेक्स्ट में लेकर जाओगे। जो अभी जिस चीज से डर रहे हो शायद वो चीज आपके फिर आपको पास अपने सॉरी नेक्स्ट लाइफ पे देखने मिले। क्योंकि जब तक आप उस चीज को नहीं पार करोगे आप सीखोगे नहीं। और लेसन्स तो यहाँ मिलने ही हैं, लेसन्स लेने ही आए हैं, ठीक है। तो वो फिर से रिपीट होगी आपके साथ, लेसन तो आपको दिया ही जाएगा, ठीक है। तो अभी भागना कोई कोई आपके लिए किसी भी सिचुएशन से आपके लिए वो आंसर नहीं है आपका। फेस करना है आपके लिए, आपको फेस करना है उन चीजों को, भागना नहीं है। रास्ता कह सकते, स्केप करना तो रास्ता नहीं होता, उस चीज को फेस करना है आपको। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यू आर नॉट अलोन, ट्रस्ट योर टैलेंट इज इन चेंजिंग टाइम। ओके, बेहतरीन है मेरे गार्जियन। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर एंड डिजायर। क्या की कौन सी चीजें आपको डराती हैं, ट्रैक करो उसे। और कौन सी चीज आप चाहते हो लाइफ में, हंटर बन जाओ बस एकदम। जो डर है उसे कम करने की कोशिश करो, अपने अंदर के डर को कम करो, अपने डिजायर्स के पीछे भागो, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पे मैं कहूंगी कि माउंटेन की तरह स्ट्रांग होना है आपको, अपने बिलीफ को भी वैसे ही स्ट्रांग रखना। नहीं बदलो कोई बात नहीं है, समय के साथ बदलना भी पड़ता है, बट ये है कि जो आप हो वो हो रहो। और इतना कहूंगी कि अपने अपने जमीन से जुड़े रहो, ठीक है। You are not alone, you are not alone, you are not alone, okay? आप अकेले नहीं हो, इतना आप जान लो। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग दैट, का समय बदलता है लेकिन अपने टैलेंट्स पे भरोसा रखो। बुरा वक्त आएगा तब भी आप खुद को उसमें से निकाल लोगे, अच्छा वक्त आएगा तब तो इन्जॉय करना ही है उस समय को। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, देखो चीजों को बदलने में थोड़ा समय लगता है लेकिन उस समय को आपको समय देना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें बदलेंगी, आपके अनुसार भी होंगी, ठीक है। तो समय दो। अगेन अर्थ मैजिक, ओके। नेचर, रिचुअल, चार्म्स। तो रिचुअल्स करना, कुछ ऐसे लोग हैं जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, तो आप कराना चाहे तो वो करा सकते हैं। चार्म्स रखना चाहे तो वो रख सकते हैं कुछ, ठीक है। नेचर से आप कनेक्ट होना चाहे तो हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है जैसे पत्थर इकट्ठा करना, शंख इकट्ठा करना, कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें इकट्ठा करना पसंद होती है, ठीक है। अर्थ से कुछ लोग कुछ अलग लकड़ियां या कुछ लीव्स कलेक्ट करते हैं, तो ये सब चीजें अच्छा, मतलब ये सब चीजें आपको अच्छा फील करा सकती हैं, ठीक है। तो मन को शांति देती हैं। और ये तो सोशल मीडिया से काफी अच्छा है, नेचर में जाना, चार्म्स कलेक्ट करना, ये बहुत अच्छा फील कराएंगे आपको। एम्ब्रेस योर इनर चिप्सी, फ्रीडम, फन, म्यूजिक, ये करने की जरूरत है। अकेले हो कोई बात नहीं, फ्रीडम, उस फ्रीडम को एंजॉय करो, ठीक है। खुश रहो, म्यूजिक सुनो, जो अच्छा लगता है वो करो, बस खुद को खुश रखो। यहाँ पर खुश रखने की बात हो रही है, मैं इसको लेना चाहूंगी। हैव करेज, स्ट्रेंथ, फियरलेस एंड वॉरियर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ आपके लिए आ रही है, ईश्वर है आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है। और डरना नहीं है किसी चीज से, वॉरियर लड़ना है, ठीक है। हील, आप में से काफी लोग हीलर भी हो सकते हैं, बनोगे, आगे जाके बनोगे या हो चुके हो, फील हो रहा होगा फ्यूचर में, ओके, फ्यूचर में जाके हीलर बनोगे, ठीक है। फ्यूचर, मुझे लगता है आप में से काफी लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। एक और कार्ड मैं लूंगी, एक और कार्ड लूंगा, लेना चाहती हूँ यहाँ पर, इसी को लेती हूँ। अचीव, ओके, लाइफ में बहुत कुछ फ्यूचर में जाके अचीव करोगे, ठीक है। अचीव करना ही है,
कुछ कर दिखाना है, कुछ बनना ही है ठीक है लाइफ में। दूसरा आप में से काफी लोग हीलर भी बनोगे ठीक है, हील करोगे लोगों को, अपने अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम है पहले उसको हील करोगे, उसके बाद एक बड़े हीलर बनोगे और दूसरों की भी मदद करोगे ठीक है। लाइफ में कुछ अचीव करोगे, कुछ बड़ा करोगे यहाँ पर। फ्यूचर में यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप में से काफी लोग फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते भी हैं। तो मैनिफेस्ट भी करते हो काफी कुछ हद तक मुझे लग रहा है आप अपने लाइफ में, इसलिए कह रही पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, मैनिफेस्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हो आप ठीक है, पॉजिटिव रहा करो। बाकी आप में से काफी लोग फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, फ्यूचर में ज्यादा जीते हैं, प्रेजेंट को भी जीने को कहा जा रहा है आपसे ठीक है। और इतना मैं देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में आप में से काफी लोग हीलर बनोगे और कुछ अचीव करोगे आने वाले समय में ठीक है। बस समय को भी समय दिया करो ठीक है, आप समय आपको हील करेगा, समय आपका समय बदलेगा ठीक है। तो थोड़ा विश्वास रखा करो। और अपने टैलेंट पर भी विश्वास रखो। ये थी आपकी रीडिंग पायल थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।